वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक भाई ने मुझे को कमेंट में पूछा था कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज का जो है सबसे बेस्ट स्टेज बताओ, कि कौन से स्टेज में डॉक्टर स्ट्रेंज हाई स्टेजेस तक जा सकता है या किस तरीके से जा सकता है, कौन कौन से वर्ल्ड वॉर्स अल्टीमेट में वो काम आएगा वगैरह वगैरह डिटेल दो। तो देता हूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज है वो जान लो, क्योंकि उसके बिना किसी भी स्टेज में डॉक्टर स्ट्रेंज को प्लस टीयर 3 करके रेज दे के तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक तुमको उसका बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पहले तो कुछ जान लो, जैसे एग्जांपल स्किल्स अपग्रेड, गियर्स अपग्रेड, आई स्वेट अपग्रेड, उसके बाद में कस्टम गियर रैंक, उरू रैंक और कार्ड का अपग्रेड, उसके बाद यूनिफॉर्म अपग्रेड। ये सारी चीज़ें मिलाकर तुमको डेंजर सॉरी अपना वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में लेके जाना पड़ेगा। प्लस उसको टीयर 3 करना है कि नहीं करना है वो तुम्हारा डिसीजन है, क्योंकि तुमको पावरफुल होना है कि नहीं होना है वो तुम्हारा डिसीजन। सीसीएफ तुम्हारा, वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट तुम्हारा, नेट तुम्हारा, मोबाइल तुम्हारा, डाटा तुम्हारा, दिमाग भी तुम्हारा। तो तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बिना सक्सेस हाथ नहीं लगेगा। उसके बाद में अगर कुछ कुछ चीज़ें अपग्रेड कर लेते हो, अच्छा खासा बेसिक बेसिक अपग्रेड कर लेते हो, अच्छा खासा अपग्रेड कर लेते हो, तो यहाँ पर अच्छा आपको पावरफुल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं सेट बोनस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 40% ऑल अटैक दे रहा है, और कुछ कुछ चीज़ें सेट कर दूँ तो यहाँ पर कौन कौन सा कैसा क्या वर्क करेगा थोड़ा दिखाता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़, डैमेज प्रॉक जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर चेंज के जो स्किल्स है उसको कम से कम सेकंड्स में कैंसिल करके दूसरा स्किल्स एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर डैमेज प्रॉक सही से काम नहीं करता, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आता है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन या फिर रेज जैसे CTP की ज़रूरत पड़ती है, जो एक स्किल से दूसरे स्किल्स में कंटिन्यू चालू रहते हैं और उसका जो डैमेज प्रॉक होता है वो लगता रहता है। लेकिन एक चीज़ बात ये है डैमेज प्रॉक का, मैंने डैमेज प्रॉक की सॉरी हाउ टू सेट ऑब्लिस के लेटेस्ट वाले वीडियो में, जो कि जनवरी या फरवरी का अपडेट है, उसमें मैंने बोला था कि इसमें एक चीज़ ऐसी है कि किसी एक स्किल्स में अगर ये एक्टिवेट होते हैं तो उस स्किल्स का डैमेज एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डैमेज एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा दूसरे स्किल्स का जो डैमेज है वो ठीक तरीके से एक्टिव और डैमेज डील नहीं करेगा कुछ कुछ कंडीशन में। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस चीज़ को, डैमेज प्रॉक को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ी समझ लो, इसलिए रेज देना ज़रूरी है। हाँ रेज दोगे तो फिर एक चीज़ नहीं रहेंगी, वो एक गार्ड भी कम्युनिटी उसके पास में डॉक्टर चेंज के पास में नहीं रहेगा, तो उस वजह से कुछ कुछ स्टेजेस में इसका स्किल कैंसिल होना, उसके बाद में डैमेज प्रॉक का कैंसिल होना, कुछ कुछ इफेक्ट पियर्स हो जाना, और बाकी तुम समझ सकते हो स्किल रोटेशन पे सत्यानाश होना। तो ये चीज़ें सब लगा रहेगा। तो इसको करने के लिए आप लोग कौन कौन सी स्टेज चूज़ करूँगा थोड़ा बता देता हूँ। देखो सबसे बेस्ट जो स्टेज है ना वो ब्लैक डॉर्फ की है, जो कि ये जो कुल ऑप्शिडन है ये इसको हराने के लिए ब्लास्ट टाइप के कैटेगरी वाले जो कैरेक्टर से वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पर अपने लेवल वाइज चूज़ कर लो, उसके बाद में दे धोबी पछाड़, दे धोबी पछाड़ और दे धोबी पछाड़। टीम चूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा AT के वाले कैरेक्टर चूज़ कर लो, और बाद में एक सुपर विलन टाइप कैरेक्टर दे दो। जैसे एग्जांपल मैं कोल्सन या शूरी का इस्तेमाल करूँगा तो उससे भी यहाँ पर डैमेज ज़्यादा रहेगा। और अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो फिर गोस्ट पैंथर, वेलेक्री और बहुत से ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे जो सुपर विलन टाइप डैमेज डील करेंगे। दूसरी भी स्टेज कॉलोबस ग्लाइव का स्टेज में मैंने अभी आज तक कभी यूज़ किया नहीं है, फिर भी देखता हूँ। और इबोनिमा का स्टेज, इबोनिमा के स्टेज में मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है और ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। मैंने कुछ कुछ एक दो यूट्यूबर्स के मैंने देखा वीडियो, तो उसमें भी वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट की 99 स्टेज में डॉक्टर स्ट्रेंज काम कर रहा था। तो मेरे हिसाब से हाँ रेड लेवल अच्छा होगा, अपग्रेड अच्छा होगा, कार्ड अच्छे होंगे, अलायंस अच्छा होगा, तो हो सकता है अच्छे से अच्छा लेवल भी क्रिएट और क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ एक थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ कि भाई ने अभी एक पूछा था मुझे, एक बंदे ने पूछा था कि भाई आप वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में कौन से वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में कितने हाई स्टेजेस तक गए हो। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 54 स्टेज में गया हूँ इबोनिमाव के अंदर, कॉर्वस ग्लाइव के अंदर मैं 54 मैं प्ले करने वाला हूँ, और यहाँ पर कुल ऑब्सिडियन के अंदर मैं 54 प्ले करने वाला हूँ। तो
तो सभी में मैं 54 54 लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर अप्रॉक्सिमम मिनट की इसमें भी मैं 54 तक जा चुका हूँ, ये देखो 54। तो सभी स्टेज में मैं 54 54 इक्वल लेके चल रहा हूँ। ये चार वर्ल्ड वॉर अल्टीमेट मैंने 54 तक लेके गया हूँ। और यहाँ पर जो थानोस है, ये बेचारा अभी लल्ला 17 पे लटका हुआ है, क्योंकि इसको हराने के लिए एक तो पेशेंस की ज़रूरत है, टेक्निक की ज़रूरत है, और सही टाइमिंग और सही एक्यूरेंसी और सही एटीके की ज़रूरत है। अगर एक भी चीज़ गलती कर दी तो कैरेक्टर और टाइम और तीनों चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, जो सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में इजी से इजी तरीके से बिना दिमाग पे ज़्यादा लोड दिए गेम को खेला जाए। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे वर्ल्ड वॉर सेटलमेंट चुनो जिसमें आपका टाइम कम से कम लगे, आपको सीसीएफ भी मिले, आपका स्टेज भी क्लियर हो, और आपको मटेरियल भी मिले, और आपका दिमाग भी ख़राब ना हो। तो मेरे तरफ से हमेशा रिकमेंडेड रहेगा कि ईजी से ईजी स्टेज चुनो और क्लियर करो और गेम में आगे बढ़ो। सिंपल, ज़्यादा लोड लेना नहीं, ज़्यादा लोड देना नहीं, सिंपल। यहाँ पर कुछ और बाकी के एक्समैन के आपको इपिक क्वेस्ट सॉरी क्या बताते वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट मिल जाएंगे। तो ये भी चाहो तो खेल सकते हो अलग अलग डे वाइज, जहाँ तुमको सबसे ज़्यादा सीसीएफ मिल सकता है, या फिर तुमको जहाँ ज़्यादा तुम्हारे कैरेक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल, अगर कोई जैसे कुल ऑप्शन का होगा, या फिर अब स्पीड टाइप है, स्पीड टाइप कैरेक्टर के अगेंस्ट में कॉम्बैट टाइप कैरेक्टर भारी पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्विक सिल्वर के स्टेज में कॉम्बैट या स्पीड या ऐसे कुछ डॉज रेट वाले कैरेक्टर या कुछ अलग कैरेक्टर अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत अच्छी स्टेज है और काफ़ी अच्छे तरीके से अगर नया नया खेलते होंगे तो यहाँ पर तुमको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिल जाएंगे, सीसीएफ भी मिल जाएंगे। कोशिश करने में क्या जाता है, अगर तुमको लगता है कि नहीं सब सब स्टेजेस एक एक करके खेलना चाहिए तो खेलो, या फिर जो स्पेशल डे होगा उस हिसाब से खेलो। यहाँ पर मैं चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पर कुल ऑप्शन का है तो कुल ऑप्शन के इसमें कुल ऑप्शन का खेलूँगा। जो आज स्पेशल होगा वो खेल सकते हो, तो उसमें सीसीएफ मिलेंगे थोड़े से ज़्यादा चांस है। लेकिन गेम डेवलपर ने 0.1% कुछ चांस बढ़ाया सीसीएफ के, तो ये हमारे साथ मजाक करते हैं कि क्या करते हैं पता नहीं। और मेरे पास अभी सीसीएफ कितना थोड़ा दिखा देता हूँ, 540 है, ज़्यादा नहीं है, 540 ओनली, 540। अगर मैं किसी को टीए थ्री करना भी चाहूँ या सोचूँ या इमेजिन करूँ या प्लानिंग कर लूँ तो भी करीब करीब आधा एक महीना तो लगेगा करने के लिए, क्योंकि इजीली तो मिल नहीं रहा है सीसी। अब चाहे मैं 54 पे जाऊँ या 55 पे जाऊँ, इजीली नहीं मिल रहा, बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हासिल करना। हाँ, तुम बोलोगे भाई 60 के आगे जाओ तो मिलेगा, 70 के आगे जाओ तो मिलेगा, 80 के आगे जाओ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेज पे फिक्स नहीं है, वो बस एक लक समझ लो। जहाँ बूटी बॉक्स मिल गया वहाँ मिल गया, बूटी बॉक्स में भी आजकल कुछ खास रिवॉर्ड नहीं मिलते। किसी में एंटी मैटर है, किसी में कुछ कस्टम गियर है, किसी में कुछ एमकान क्रिस्टल है, तो कभी भी कुछ भी मिलता है, कुछ फिक्स नहीं है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Shadow turns to sun rays, and on we'll
horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder, to see the horizon, turn us to thousands. Chase the leading up.